हेलो एवरीवन, आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ये चॉकलेट मेल्ट करना था और ये कुछ इस तरह का हो गया, तो मैंने सोचा इसके वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत सर्च करने के बाद मुझे पता चला, तो मैं आपके लिए भी ये वीडियो बनाई हूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो देखिए, आपकी भी चॉकलेट इस तरह से कर्डल हो जाती होगी, फटी फटी सी लगती होगी, तो ऐसा नहीं होगा जब आप सही तरीके से उसे मेल्ट करेंगे। तो ये देखिए, परफेक्ट वाली कितनी बढ़िया से मेल्ट हुई है और बहुत ही अच्छी बनी है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है चॉकलेट कंपाउंड। मैं यहाँ डार्क कंपाउंड का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वैन लीर का है और ये मुझे पड़ा है 156 लिखा है, लेकिन 140 का पड़ा है क्योंकि मैं इसे थोक वाले दुकान से लेती हूँ। तो आपके यहाँ भी ऐसे कोई दुकान हो तो आप वहाँ से ले, ये सस्ता पड़ेगा। और ऑनलाइन तो ये महंगा रहता है, मैंने देखा 200 कुछ ऐसे ऊपर ही था 200 से, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ मैं वैन लीर की ले रही हूँ और ये डार्क है। आप चाहे तो जो आपको फ्लेवर चाहिए हो चॉकलेट का या फिर वाइट चॉकलेट का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सबकी प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर इसे निकाल रही हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया सा चॉकलेट है और बिल्कुल ठंडा है इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है। तो जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप इसे पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल लें ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए और इसे काटने में पिघलाने में आसानी हो। तो स्टोर तो हमें फ्रिज में ही करना है, लेकिन इसे निकाल करके आप रख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है कि इसे कैसे यूज़ करना है, या तो माइक्रोवेव कीजिए या फिर डबल बॉयलर की हेल्प से आप इसे मेल्ट कीजिए, पर सबसे होता नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं लोग और ख़राब हो जाती है। तो ख़राब क्यों होती है वो मैं कारण बताऊंगी। तो यहाँ पर चॉकलेट का मैंने एक बार इस तरह से तोड़ लिया है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ी लेकिन टूट गया, और बाकी को इसी पैकेट में डाल करके इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में। आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, पर अच्छे से इसे पैक कर ले ताकि इसमें हवा ना लगे और इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे रख सकते हैं, और जो मैंने एक बार निकाला है इसे आप छोटी छोटी टुकड़ों में कट कर ले ताकि ईजिली मेल्ट हो जाए। अगर आप ऐसे भी डालेंगे तो भी मेल्ट होगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जब ये ठंडा रहेगा तो काटने में दिक्कत होगी, लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो एकदम आसानी से कट जाएगा। तो इसे लीजिए, मैंने कट कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। अब चलते हैं इसे मेल्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कांच की बॉल, जो कि ये माइक्रोवेव सेफ है, इसमें हीट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये नहीं टूटेगा। तो ऐसा ना हो कि आप मेरा देख करके आप ऐसे ही कोई भी बर्तन चढ़ा दें तो वो टूट जाए। तो कांच के बर्तन को थोड़ा ध्यान से, और यहाँ पर आप चाहे तो स्टील का बर्तन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बड़ी सी स्टील की बर्तन चढ़ा रखी है पानी गर्म होने के लिए, और साथ में इस पर मैंने एक छन्नी रख दे रही हूँ ताकि जो मैं कटोरी रखूँगी चॉकलेट वाली वो इसमें डूबे ना, पानी को टच नहीं कराना है। मेरी कटोरी जो है वो भाप से मेल्ट होगी, चॉकलेट जो है वो भाप से पिघलेगी, उस पर पानी का कुछ भी नहीं आना चाहिए, जिसके कारण से क्या होता है कि चॉकलेट जो है पिघलने के जगह पकने लगती है गर्माहट से और वो ख़राब हो जाती है। तो यही कारण है जिसके कारण से मेरी पहले वाली चॉकलेट जो है ऐसी दरदरी हो गई थी। तो मैंने इसके बाद सर्च किया और इसके बाद इसे इस तरह से अब मैं मेल्ट कर रही हूँ, जिसके बाद इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आया। तो सबसे पहले पानी जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा, वो बॉईल होगा धीरे धीरे, तो वैसे ही ये भाप से धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे इसे स्पैचुला से या चम्मच से इस तरह से हिला करके देख सकते हैं कितना बढ़िया से पिघलना शुरू हो चुका है। तो बस 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लगेंगे और ये बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप चॉकलेट कितना सारा ले रहे हैं, थोड़ा सा है तो जल्दी हो जाएगा और थोड़ा ज़्यादा है तो आप उसे लगातार स्टर करते रहें, उसके बाद जो है वो मेल्ट हो ही जाएगा, पर मेथड यही है। और अगर आप माइक्रोवेव करते हैं तो उसे 30 सेकेंड 40 सेकेंड में माइक्रोवेव करें, उसके बाद उसे चेक कर लें फिर करें धीरे धीरे, तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड का ऐसे लगा लगा के चेक करें, तब आपको एक अंदाज पड़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो चॉकलेट है वो कुछ कुछ बड़े पीसेस हैं तो जिसके कारण से टाइम ले रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे से पिघल गया। तो जब तक चॉकलेट पिघल रहा है तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो मैंने गलतियाँ की हैं और मैंने जो सुधार की है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं और आपको बता सकूं
कि ये चीज़ गलत है, ऐसा ना करें, और ये चीज़ सही है, आप ऐसे बनाएं। तो मेरी गलतियों से सीखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए, चॉकलेट जो है अब पिघल रहा है, थोड़े थोड़े पीसेस बचे हैं, उसे भी लगातार चलाते रहने से ये भी मेल्ट हो जाएंगे। अब आपके साइड जो भी चॉकलेट मिलता हो उसका भी यही प्रोसेस है। सब चॉकलेट एक जैसे ही होते हैं, चाहे वह वाइट चॉकलेट हो, चॉकलेट कंपाउंड, नॉर्मल वाले चॉकलेट। एक मिल्क फ्लेवर का रहता है और एक डार्क फ्लेवर का रहता है। तो यहाँ पर मैं डार्क वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप नॉर्मल वाले इस्तेमाल करते तो वो भी ऐसे ही होगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया से हो गया। अब जो है मैं वो बता रही हूँ जो कि कोई नहीं बताता है कि वो ख़राब हुए चॉकलेट का क्या करना है। उसे तो अब हम डेकोरेट कर नहीं सकते हैं, केक तो उससे अच्छा बनेगा नहीं। तो इसे मैंने इस तरह से चॉकलेट मोल्ड जो होते हैं उस पर लगा करके इसकी छोटी छोटी चॉकलेट शेप बना ली है, क्योंकि ये बाद में जा कर के हार्ड ही हो जाती है और फिर ये ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती है। तो अगर आपको चॉकलेट केक पे डेकोरेट करना हो कुछ केक पर, तो ये इस तरह का कुछ भी आप मोल्ड में सेट कर ले और फिर इसे फ्रीज कर ले। उसके बाद ये बढ़िया सी चॉकलेट, मिनी चॉकलेट बन करके तैयार हो जाती है, जिसे आप अपनी केक पे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये चॉकलेट जो है ख़राब नहीं रहती है, क्योंकि ये पक चुकी है, बस इतना ही अंतर है और कोई बात नहीं होती है। तो इसे जो है मैंने फ्रीज कर लिया और ये देखिए अब कितना बढ़िया सा निकलेगा। ये एकदम आसानी से इससे बाहर आ जाता है और देखने में इतना क्यूट, इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा तो ऐसे ही खाने का मन कर रहा था। ये बहुत ही सुंदर बना। तो आप इससे आसानी से कोई भी केक डेकोरेट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कॉमेंट भी करिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करूं। तो ये झटपट वाले मिनी चॉकलेट बनकर के तैयार है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।